मेरी यही आप सबको गुजारिश है और आपके इस मीडिया चैनल की जो खबरें निकलती हैं दुनिया देखती है, सेंसर होती हैं या नहीं होती वो अलग बात है, मगर ये अगर जब आप चलाओगे, क्योंकि ये लाइव नहीं है, तो मेरा मौक़िफ साथ ज़रूर रखना कि कराची सिंध का कैपिटल है और सिंध की जोग्राफियाई जो हदें हैं उसमें कोई हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये याद रखना। और ये भी याद रखना कि सबसे ज़्यादा हक हम लोगों का ही है, ये बाकियों का नहीं है। ये सब निकाल दें अपने जहन से, और बाकी तो समझो अपनी आखिरी इनिंग खेल रहे हैं, अब तो नहीं कब इज़राइल अलैहिस्सलाम उनको ले जाए, तो ये जहन में रखें। नौजवानों का मुस्तकबिल है और इंशाल्लाह सिंध सेफ हैंड्स में होगी, उन हाथों में होगी जो वफादार और नेक नियति से खिदमत करेंगे, हुक्मरानी नहीं करेंगे और लूट खसूट नहीं करेंगे। पीपल पार्टी 10 साल हुकूमत में रही सिंध में, आप अभी इलेक्शन का टाइम है, आप कराची उन जलसों से हम समझते हैं कि पीपल्स हम झंडे देख रहे हैं दुकानों पे, पीपल्स पार्टी के नारा लग रहा है भेज पगारा। हम कहीं से गुजरते थे पहले लगता था जिए भुट्टो, आज हमने सुना ही नहीं, एक बच्चे ने नहीं नारा लगाया जिए भुट्टो, क्योंकि उन सब बच्चों को भी पता है कि भुट्टो की पार्टी नहीं है, ये हाकिम अली के बेटे की पार्टी है जिसको कहते हैं जरदारी लीग, खाओ पियो लूटो फूटो ग्रुप है। इससे इंशाल्लाह ये 25 तारीख को हम जान छुड़वाएंगे सिंध वालों की। बाकी 3 सूबों ने तो इनको रिजेक्ट कर दिया, ये भी इंशाल्लाह रिजेक्ट करेगा सूबा। सबको अब होश भी आ गया, समझ भी आ गई है कि ये लुटेरे हैं और ये बहुत बड़े एक अजाब से छूटेंगे, हम लोगों की जानें छूटेंगी, सिंध की मुल्क की जान छूटेगी और ये नैब में फंसेंगे सब। इनके तो खिलाफ 302 के केस हैं, ये उनसे नहीं बचेंगे। कालाबाग डैम के हवाले से GDA का जो है ना मौकफ जानना चाहते हैं, एक तो आपका मौकफ आ गया सिंध के हवाले से, कालाबाग डैम पे आपका क्या मौकफ? कालाबाग डैम देखें 40 साल हो गए, अब ये मुर्दा एक घोड़ा है, गधा है, या आप इसको बिच्छू समझो, इसका कोई भी मुस्तकबिल में नज़दीक में देख रहा हूँ तो कोई बात ही नहीं हो रही। बादशाह डैम की बात हो रही है, बादशाह डैम बन जाएगा, 3 गुना ज़्यादा उसकी साइज़ है। और हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारी ज़मीनें बंजर हो गई तो इधर के जो हारी हैं, जिनसे आबादी, जो पानी जिनको नहीं मिल रहा, वो तो बेचारे भूख मरेंगे, वो क्या ढाके मारेंगे जाके, किसी को लूटेंगे, उनके लिए पानी चाहिए। ये जितना जल्दी हो सके डैम बने, जब डैम बनेगा हमें पानी मिलेगा, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, अपना हकलाल का खाएगा और उनको रेट सही मिले। ये नहीं कि बारदाने बिक रहे हो 200-200 रुपये में, ये नहीं कि 100 रुपये में एक मन आप दे रहे हो गन्ने का, जहाँ पे आपके 240 रुपये मन लकड़ी का है। और खूब अकल करें, इधर तो लूट जो है ये सबको भी नज़र आ गई है, गरीबों को। GDA की हुकूमत बनने के बाद मोहतरमा के कातलों के लिए आपकी क्या कोशिश? मैं तो जानता हूँ, अब ये देखो जो आदमी खुद कह रहा है, आपको आपने सुना हुआ है कि जनाब जरदारी साहब ने कहा था कि मैं मोहतरमा के कातलों को जानता हूँ, तो वो जानता तो है, उसी को रखेंगे ना सामने, बता बेटा कौन है, बता दुनिया को, बता खास तौर पे सिंध वालों को बता। इनका बस चलता तो ये जो इधर ये इतनी बड़ी मज़ार है ना शहीदों की, ये भी बालू के मज़ार के साथ जाके रखते, क्योंकि वो डब्बे में जो पैसे गिरते वो भी इनके घर में जाते। ये भूखे नंगे हैं, इनसे उम्मीद अच्छी ना रखो।